नमस्कार, मैं रवि। आज हम बात करेंगे एनआरसी के बारे में। असम सरकार ने एनआरसी का ड्राफ्ट कल जारी किया। उसमें से आपको बहुत सारे को आंकड़े भी पता चल गए होंगे कि कितने सारे अवैध बांग्लादेशी नागरिक किस तरीके से असम पर कब्जा जमाए हुए हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी जो कल जारी किया गया है, उसमें से 1,90,00,000 करीबन लोग जो हैं वो वैध तरीके से असम के नागरिक हैं। और इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि 1,40,00,000 लोग अवैध घोषित किए गए हैं, जिसमें इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो अब ये लिस्ट जारी होने के बाद वहाँ पे काफ़ी तनाव हो गया है। सेना भी तैनात हो गई है वहाँ के, इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया है, SMS वगैरह काफ़ी फैसिलिटी पर रोक लगा दी गई है। तो अवैध बांग्लादेशियों की समस्या तो वैसे पूरे देश में है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के सबसे प्रमुख राज्य असम में, जिस तरह से उन्होंने 1970 से पहले से उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिस तरह से वो हिंदुओं की आबादी पर हावी होते जा रहे हैं और वहाँ के संसाधनों पर कब्जा जमाए हैं। राजीव गांधी की सरकार के समय ये समझौता हुआ था कि 1971 से पहले जो भी बाहर के शरणार्थी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी और उसके बाद वालों को सबको असम से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन तब से कांग्रेस की सरकार या किसी और अन्य की सरकार ने ये बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पाई। इस बार मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सोनोवाल की सरकार, बीजेपी की सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, ऐतिहासिक कदम है। अब देखते हैं ये कदम कैसे इम्प्लीमेंट होता है। मेरे को तो लगता है कि ये पूरे भारत से अवैध बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से यहाँ पे कब्जाए बैठे हैं, यहाँ के संसाधन, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ के लोगों का जो भी राइट है उसको छीन कर उनको देना, ये बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि भारत में ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम अपने लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, इतने सारे लोग यहाँ पे आकर बस रहे हैं और यहाँ का सामाजिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। ये हमारे देश के भविष्य, हमारे भविष्य और सबके लिए खतरा है। इसलिए हमें पूरे देश में ये मांग उठानी चाहिए कि ऐसे अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो भी ऐसे हमारे संसाधनों पर कब्जाए हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और उनको तुरंत निकालना चाहिए। जिस तरह से असम की सरकार ने ये कदम उठाया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट को ये श्रेय जाता है। और ये देखने वाली बात होगी कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अवैध बांग्लादेशी हैं उनको असम से बाहर फेंकना चाहिए, वहाँ का वो जो सामाजिक संतुलन है वो पूरा चरमरा गया है। असम के जो मूल लोग हैं उनके अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। तो ये चीज़ संतुलन बनाने के लिए ये कदम जितना जल्दी है वो कदम उठाना चाहिए, नहीं तो ये देश, राज्य और यहाँ के समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। और ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। वक्त ऐसे बीतता जाएगा, 1971 से राजीव गांधी जी जो नहीं कर पाए वो अब की सरकार अगर कर देती है तो इस सरकार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारत की पूरी जनता उसके पीछे खड़ी है, कितनी भी परेशानी आए लेकिन ये कार्य पूरा होना चाहिए। पहला ड्राफ्ट रूल पब्लिश करने के सिलसिले में, उसको प्रस्तुत करने के सिलसिले में जो मदद करके आए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, असम की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा जनता से ही आह्वान है कि आप लोग जैसे ही जिस तरफ से आप लोगों ने मदद करते आए हैं और अगले दिनों में भी सेकंड ड्राफ्ट जो बनेंगे उसमें भी आपका मदद ऐसे ही रहे, और किसी का नाम अगर किसी कारण रह भी गया तो उनके नाम फिर से दोबारा हमारे ड्राफ्ट रूल में इंक्लूड करने के सिलसिले में सरकार मदद करेंगे। क्योंकि हर बोनाफाइड इंडियन सिटीजन की सुरक्षा,
उनके मर्यादा रक्षा करना सरकार का धर्म है। टुडे वी आर पब्लिशिंग द नेम्स व्हिच हैव बीन वेरीफाइड टिल नाउ 1.9 करोड़ पर्सन्स नेम्स हैव बीन वेरीफाइड एंड देयर नेम्स आर इंक्लूडेड इन द एनआरसी। द बैलेंस नेम्स आर अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन। एज सून एज देयर वेरिफिकेशन विल बी ओवर वील कम आउट विद अनदर ड्राफ्ट as has already been indicated by the Honorable Supreme Court. So, all the people who do not find their names, they should have no apprehensions. There will be ample opportunities for everyone to wait for such time when their verifications are complete and thereafter another draft will be published. We are not right now inviting claims and objections. Claims and objections will be invited only after the complete draft NRC has been published.